हेलो फ्रेंड्स, सिंपल वीडियोस इन कुकिंग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको सूजी और उबले हुए आलू का बहुत ही हेल्दी नाश्ता बनाना बताऊंगी। ये नाश्ता आधे चम्मच तेल में बनकर तैयार हो जाएगा और खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, रेसिपी को लाइक करें और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम नाश्ता बनाना। नाश्ता बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मिक्सिंग बाउल ले लेंगे, उसके अंदर हम डाल देंगे 2 कटोरी सूजी। अब हम इसमें डाल देंगे 1 कटोरी दही। 1 चम्मच हम इसमें डाल देंगे नमक या स्वाद के अनुसार नमक ले लें। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। सभी चीजें अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम जो हमने उबला हुआ आलू लिया था वो डाल देंगे। इसको मैंने इस तरह से कद्दूकस कर लिया है। अब हम इसमें कुछ सब्जियां डालेंगे। यहाँ पे मैंने 1 बारीक कटा हुआ प्याज लिया है, वो डाल देंगे। 1 बारीक कटा हुआ टमाटर। आप सब्जियां अपनी पसंद के अनुसार ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। ये 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 चम्मच अदरक कद्दूकस किया हुआ, 1 शिमला मिर्च बारीक कटा हुआ। आपको इसमें से जो सब्जी पसंद नहीं है वो आप इसमें से हटा सकते हैं। अब हम सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे 1/2 कटोरी पानी, थोड़ा सा धनिया। अब सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और 1/2 कटोरी मैंने इसमें पानी डाली है, 1 कटोरी दही। हम इसमें अभी पानी नहीं डालेंगे क्योंकि नमक डालने की वजह से जो हमारी सब्जियां हैं वो भी पानी छोड़ेगी, तो हम अगर हमें जरूरत लगेगी तभी हम इसमें पानी डालेंगे। अब हम नाश्ते को चटपटा बनाने के लिए इसमें कुछ मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले हम डाल देंगे 1 चम्मच जीरा। अब इसमें हम डाल देंगे 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी का पाउडर। अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। लाल मिर्च आप अपनी पसंद के अनुसार ले सकते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर और सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप मसाले अपनी पसंद से कम ज्यादा कर सकते हैं, जैसा आप खाना पसंद करते हैं। इस तरह से सभी मसालों को मिक्स कर देंगे। सभी मसालों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इस घोल को ढक के और 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे ताकि जो हमारी सूजी है वो अच्छे से फूल कर तैयार हो जाए। देखिए फ्रेंड, 5 से 10 मिनट हो चुके हैं और जो हमारी सूजी है वो अच्छे से फूल कर तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं सूजी ने पूरा अच्छे से पानी सोख लिया है सब्जियों का और जो हमने 1/2 कटोरी डाला था उसका। अब हम इसके अंदर 1/2 कटोरी पानी और डाल देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड, मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है 1/2 कटोरी पानी डालने के बाद, और जो हमारा घोल होगा वो इस तरह का होगा। ये देख सकते हैं, न ज्यादा गाढ़ा होगा और न ज्यादा पतला, इस तरह का हमारा घोल होगा। अब हम नाश्ता बनाना स्टार्ट करते हैं गैस की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने नाश्ता बनाने के लिए गैस ऑन करके और ये अप्पे पैन चला दिया है और इसको हम गर्म कर लेंगे और इसके अंदर हम ब्रश की मदद से हल्का हल्का सा इस तरह से ऑयल लगा देंगे। फ्रेंड्स, ये वाला जो नाश्ता है वो 1/2 चम्मच तेल में बनकर तैयार हो जाएगा और ये नाश्ता खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। मैंने इसमें ना इनो का यूज किया है, ना सोडा, कुछ भी यूज नहीं किया है। ये नाश्ता बहुत ही हेल्दी होगा। अब हम इसको अच्छे से गर्म होने देंगे मीडियम फ्लेम पे। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा अप्पे पैन है वो अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें जो हमने घोल तैयार करा था उसमें से हम इस तरह से चम्मच भर के 2-2 चम्मच हम इसके अंदर बैटर फिल कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सभी जो छेद थे इसके उसमें मैंने इस तरह से इसको फिल कर दिया है बैटर को। अब हम इसके ऊपर इस तरह से कुछ तेल की बूंदे डाल देंगे ऊपर भी।
फ्लेम है उसको हम बिल्कुल लो कर देंगे और इसको ढक के हम 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारे अप्पे हैं उनको सिकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। टोटल हमें 5 मिनट लगे हैं। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आ गया है। और जो गैस का फ्लेम है उसको मैंने लो टू मीडियम रखा था। अब हम इसको इस तरह से स्टिक से पलट लेंगे। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आ गया और ये सिक्कट भी तैयार हो गए। इस तरह से हम इनको पलट देंगे। मैंने इसमें इनो का भी यूज नहीं किया है, फिर भी आप देखिए कितने फूले फूले बनकर तैयार हुए हैं। सभी को अच्छे से पलटने के बाद हम इसको ढक के और 3 से 4 मिनट के लिए लो टू मीडियम पे दूसरी तरफ भी सेक कर तैयार करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो अप्पे हैं उसको दूसरे साइड से सिकते हुए भी 4 मिनट हो गए हैं और सिककर बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गए हैं। देखिए कितना बढ़िया कलर आ गया है। ये देखिए दोनों तरफ से सिककर तैयार है ये। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और जो बाकी के जो है वो भी आप इसी तरह से सेक कर तैयार कर ले। देखिए फ्रेंड्स, हमारे गर्मा गर्म अप्पे बनकर तैयार हो गए हैं। आधे चम्मच तेल में, इसमें ज्यादा तेल भी नहीं लगा है। अब मैं आपको एक तोड़ के बताती हूँ। अभी ये बहुत ही गर्म है, ये देखिए ये बिल्कुल सॉफ्ट है, अंदर से सॉफ्ट और ये बाहर से बहुत ही क्रिस्पी है। आप इसको जरूर ट्राई करें। आप इसको गर्मा गर्म सॉस के साथ या फिर हरी चटनी के साथ इसको सर्व करें, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।